नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देश भर में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हम जबलपुर में यहां के लोगों से इस कानून के बारे में उनकी राय लेने वाले हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। बहार अहमद अंसारी, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रवक्ता जी। तो ये आज प्रदर्शन एक बार फिर से हो रहा है और देश में हम देख पा रहे हैं कि समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो किस मुद्दे को लेकर के है और इस कानून में ऐसा आखिर क्या है जिसका लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है? NRC जो है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जी, ज़्यादातर पत्रकार जो आजकल जो लोगों से पूछ रहे हैं कि NRC का फुल फॉर्म क्या होता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है जी, जिसमें हम जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं जी, 135 करोड़ नागरिक होने के बाद जी, भारत की सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने लोगों से ये आगाह किया है कि आप अपने पेपर और डॉक्यूमेंट दिखाइए। क्या हमने जब उनकी सरकार बनाई तो हमने इनसे पूछा कि तुम कौन हो जी, तुम भारतीय हो कि नहीं हो जी? आपने तो वोट मांगा, हम सभी लोगों ने वोट दिया, आज आपको एक शिखर में जाके बैठा दिया। अब उस शिखर में बैठने के बाद आप हमसे ये पूछते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप इन चीज़ों को जबरदस्ती बलगराने के लिए आपने ये जो बयानबाजी चालू करी है और आप एक गुंडागर्दी तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि मैं NRC लगा के रहूँगा, तो NRC क्या उनके बाप की है, कहीं भी लगा देंगे। आज आपने जो समीकरण बनाए हैं CA के तहत, आपने एक एक्ट बनाया सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप जो वापस लेना चाहते हैं, तो क्या आप हर मुसलमान को पहले हिंदू करेंगे उसके बाद वापस लेके आएंगे? आपने जो प्रोपेगंडा फैलाया वो GDP छुपाने के लिए किया है। भारत की GDP आज की डेट में 1.5% है और जो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी है, अंबानी, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया, इन लोगों को आपने पूरी इंडस्ट्री बेची, आपने आप इनके साथ कारोबार कर रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान का पैसा अपनी पार्टी फंड में लगा रहे हैं, हर आदमी को परेशान करके रखे हुए। भारत की जनता दूसरी क्लास के बच्चे से लेके आज ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक लोगों को जामिया में आप लोगों को मार रहे हैं, आज स्टूडेंट के ऊपर आप कत्ल करवा रहे हैं, आप स्टूडेंट को रात में मार रहे हैं, घर में घुस के लड़कियों को मार रहे हैं, क्या यही संविधान चला रहे हैं? लोग संविधान पाल रहे हैं, उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कब तक ये नाइंसाफी करते रहेंगे? हिंदुस्तान का हर आदमी के पास मौलिकता का अधिकार है, आज हम सब मौलिक अधिकार के बीच में यहाँ पर जिंदा हैं और कायम और दायम है। हर मुसलमान चाहता है या हर हिंदू चाहता है या हर सिख हर ईसाई ये चाहता है कि हम अमन चैन और शांति से हिंदुस्तान में रहें। नागरिकता लेने का कानून नहीं है बल्कि नागरिकता देने का कानून है और इसके तहत पिछले 5 वर्षों से रह रहे देश में ऐसे लोग को नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक आधार पर शोषित हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। तो फिर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संदेह है किसी चीज़ को लेकर के, जो बात आप लोग सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या सरकार आपके पास तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सरकार को उन लोगों के पास जाना चाहिए, होम मिनिस्टर मतलब होता है कि घर का मुखिया, घर का मुखिया ही जब अपने बच्चों के पास नहीं जाएगा और अपने लोगों के पास नहीं जाएगा तो वो उनके दिल की तकलीफ कैसे सुनेगा। आज अमित शाह ने, आज हमने और सभी लोगों ने अमित शाह का स्टेटमेंट देखा है, अमित शाह एक चेयर पे बैठ के और होम मिनिस्टर होने के बाद उनको CAA का मतलब नहीं मालूम, वो बाजू वाले आदमी से पूछते हैं कि भार्गव जी ये बताइए CA का फुल फॉर्म क्या होता है। जब होम मिनिस्टर को ये नहीं मालूम कि CA का फुल फॉर्म क्या होता है तो वो CA के बारे में जानता क्या है? एजुकेशन जरूरी है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, उन चीज़ों के बारे में जानोगे नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो जी?
आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़े, आज हम पढ़े लिखे हैं, आई एम वेल अप टू डेट ग्रेजुएट, आई एम हैविंग अ मास्टर डिग्री। आप जो आज बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों जब माँ बाप ही परेशान होंगे, जब बच्चों को घर में खाना नाश्ता नहीं मिलेगा तो स्कूल कैसे जाएंगे। आज तुमने पूरे हिंदुस्तान के एक एक परिवार को परेशान करके रख दिया, लोग रोजमर्रा की ज़िंदगी में लगे हुए हैं, अपने खाने कमाने के लिए लगे हुए हैं, उसके बाद आपने ये स्कैंडल ऐसा इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में व्यापक रूप से फैला दिया है कि आज 6-6, 5-5, 2-2 साल के बच्चे गोद में माँ बहनें अपने बच्चे को लेकर आ रही हैं, उनका प्रोटेक्शन घर में कौन करेगा, जब उनके लिए खाना नहीं बनेगा तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो अपनी माँ बाप के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे लोग जो हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं। आज आपके सामने जो आपने JNU में देखा, JNU में विश्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मिलकर मुंह में कपड़ा बांधकर यूथ में जाके यूथ हॉस्टल में लोगों को मारा, लड़कियों को मारा, तो ये एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा है जो आपके सामने मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।